इतना पाई देगा कि नहीं? मेरे से क्या मदद चाहिए, क्या मदद करूं? मेरे को अच्छे से रखना, तुम मेरे पैसे तरीके। ओ भाई रोना नहीं, मैं आपको आश्रम में छोड़ूंगी और आपका ध्यान रखूंगी, नंबर देके आऊंगी, मोबाइल नंबर, ठीक है? सूरी की तबियत रोज मारता, देखता हूँ तुम। मैं देख के आऊंगी, उसका नंबर ले लिया मैंने। छोरी के लिए छोरी, तुम प्यार कर, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे पाने मिले, मेरा आदमी भाई काम पे जाने के तो आदमी उसको स्कूल में ले जाता था, मेरे आदमी के दो चार बच्चे रह गए उसके साथ का। ये क्या है, नातिन को बहुत प्यार करती थी, नातिन की बता रही है, नातिन के बच्चों का भी बता रही है, मारता है वो बहुत। रात में थाना भ्रमण, इलाका भ्रमण के दौरान हमको एक वृद्ध निराश्रित महिला मिली थी पलसीकर स्क्वायर पे। हमने उनसे पूछा, उन्होंने अपना नाम गया बाई दामोदर धसाई बताया। बेसिकली ये अहमदनगर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अभी वर्तमान में इनकी जो एक नातिन है वो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहती हैं। हम इनको रात में ही इनकी नातिन के पास ले गए थे, पर हम लोगों को काउंसलिंग करके और चर्चा करके समझ में आया कि वो नातिन तो इनकी रखना चाहती है, लेकिन इनका इनके दामाद से कोई पारिवारिक इशू है, जो नातिन के हस्बैंड हैं उनसे, वो नगर निगम में काम करते हैं, सोनू चौधरी हैं कोई, कुछ पारिवारिक इश्यूज़ हैं। तो हमको भी ठीक नहीं लगा उस समय वहाँ इनको रुकवाना, रात्रि अधिक होने की वजह से हमने इनको टेम्प्ररी आश्रम आश्रय देते हुए रैन बसेरा में इनकी रात की व्यवस्था की थी। अभी सुबह हम इनको लाए हैं और हमने इनकी काउंसलिंग कराई है, हमारी जो संजीवनी की काउंसलर मैडम है राजश्री पाठक मैडम, आप देख ही रहे होंगे। और इनको हम अभी कम्युनिकेट करके जो इनके लिए उचित वृद्धाश्रम है वहाँ इनके रुकने की व्यवस्था करवा रहे हैं। वृद्धाश्रम के बाद इनको जो फॉलो कैसे लेंगे कि किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पत्राचार के माध्यम से ही इनका एडमिशन वहाँ पर करवाएंगे और अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स नंबर जो हैं वो देके आएंगे, इनके बच्चों के, इनके बेटे के भी नंबर देके आएंगे, अम्मा को समझा के आएंगे, आश्रम में जो भी इनके सुपरवाइज़र डायरेक्टर हैं उनको समझा के आएंगे कि कहीं भी कोई समस्या अगर आती है तो वो हमसे कम्युनिकेट करें। और हमें ये लगता है कि हमें माताजी की पुनः सहायता करनी है या आवश्यकता है उनको हमारी, हम बिल्कुल तत्काल उनके पास पहुंचेंगे और उनकी सहायता करेंगे। आपको बेटी की तरह मान रही हैं और किस तरह से आप? हम लोग जो हैं, हमारा जो ये जॉब है वो कहता है सेवा धर्म है हमारा, और देशभक्ति जन सेवा के साथ हम काम करते हैं, तो ये हमारा एक सोशल पुलिसिंग का एस्पेक्ट है और हम माता जी की सेवा करते हैं, बिल्कुल मेरी माता जैसी हैं।